Dear students, Namaskar. BSc Part 1st, Physical Chemistry. Ki unit hai gaseous state. Uska next part hai, aaj humara, gas ki sthanantrit gatij urja. Translational, kinetic energy of gas. Kinetic gas equation, humne pichli video mein padhi thi. That is a P is equals to, ye, 1 बटा 3 रो वी आर एम एस स्क्वायर 1 बटा 3 स्मॉल एन वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटा 3 कैपिटल एम अपॉन वी आर एम एस स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल एम कैपिटल एन अपॉन वी आर एम एस स्क्वायर. ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ ली थी. नेक्स्ट है काइनेटिक गैस इक्वेशन के बाद गैस की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. काइनेटिक एनर्जी हमें पता है क्या होती है, 1/2 वी आर एम एस स्क्वायर. एक अणु की जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 1/2 वी आर एम एस स्क्वायर, सॉरी 1/2 वी एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी क्या है, फॉर वन मॉलिक्यूल 1/2 एम वी स्क्वायर. तो यहां पे हम बात करें कि ये तो एक अणु के लिए है, पूरी गैस में कितने हैं, मान लीजिए एन अणु है, पूरी गैस में कितने अणु है, कैपिटल एन अणु है. कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैस, स्मॉल एम इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और वेलोसिटी उस मॉलिक्यूल का क्या वेलोसिटी है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी मॉलिक्यूल्स का समेशन करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए. तो हमारे पास आया 1/2 एम एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन समेशन वी स्क्वायर अपॉन एन, दैट इज द वी आर एम एस स्क्वायर. तो हमारे पास आया 1/2 एम एम मीन्स देखिए स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन. स्मॉल एम क्या है, एक अणु का द्रव्यमान, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स अणुओं की संख्या. तो ये हो जाएगा गैस का द्रव्यमान, मास ऑफ गैस. तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 कैपिटल एम वी आर एम एस स्क्वायर, जिसे हम कहेंगे ईटी से डिनोट करेंगे, दैट इज ईटी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, इसे डिनोट करेंगे ईवी से. ऊर्जा घनत्व होता है ईटी में को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से. तो ये हमारा वॉल्यूम है कंटेनर का वॉल्यूम, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एम अपॉन वी आर एम एस स्क्वायर. और हमें पता है एम द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी. तो हम लिख सकते हैं इसे रो. नेक्स्ट देखिए यहां पे 2EV, 2 को इधर लेंगे तो क्या आएगा 2EV इज इक्वल्स टू एम बाई वी वी आर एम एस स्क्वायर. एम बाई वी को हम क्या लिख देंगे 2EV एम बाई वी आर एम एस स्क्वायर. देखो यहां पे ये देखिए एम बाई वी आर एम एस स्क्वायर ये क्या है इज इक्वल टू 3P, 3 इधर गया तो P हो गया ना 3P, दैट इज द P इज इक्वल्स ये 3P हो गया. तो हमारे पास P इज इक्वल टू हो गया 2/3, P इज इक्वल टू हो गया ना 2/3 EV. नेक्स्ट है हमारा ईटी अपॉन वी इज इक्वल टू ईवी, ईटी अपॉन वी इज इक्वल टू ईवी, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ईटी ईटी का मान कितना है 3/ ईवी का मान कितना अपना 3/2 पी. यहां पे देखिए ईवी की वैल्यू आई हमारे पास ये 3/2 पी, यहां से ईवी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 पी. तो यहां पे हमने देखा कि ईटी इज इक्वल टू अब हो जाएगा 3/2 पी वी, ये वी है ना वी इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3/2 पी वी. ईटी क्या है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3/2 पी वी. अब देखिए हम पीवी को हम लिख सकते हैं एन के टी, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर. यानी कैसे लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू हम जानते हैं एनआरटी है, एन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस. मोल ऑफ गैस को क्या लिख सकते हैं अपन, अणुओं की संख्या बटा एन ए, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन अवगाड्रो नंबर. तो आर अपॉन एन ए क्या होता है हमारे पास, बोल्ट्जमान कांस्टेंट यानी के स्मॉल के, दैट इज द स्मॉल के. तो एन आर अपॉन एन ए के टी, तो हमने लिख दिया 3/2 एन के टी, दैट इज ए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है हो गई हमारी गैस की, वो हो गई 3/2 एन के टी. नेक्स्ट आपका माध्य आणविक गतिज ऊर्जा, एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी, या हम इसे कह सकते हैं एक अणु की गतिज ऊर्जा. पूरे अणुओं की गतिज ऊर्जा हमने निकाल ली, ये
अब एक अणु की निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी है, 3/2 nkt है, तो एक अणु की इसे डिनोट करेंगे ई बार से, एवरेज है ना, ये माध्य है, तो ये हो गया हमारे पास 3/2 kt। इसके बाद हमारा हो गया एक मोल Na अणुओं mw ग्राम की काइनेटिक एनर्जी। एक अणु की काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास माध्य आणविक गतिज ऊर्जा एवरेज मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी 3/2 kt। तो एक मोल की कितनी हो जाएगी, एक अणु की इतनी है, तो एक मोल की कितनी हो जाएगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 nak × 3, या इसे हम Na अणुओं की लिख सकते हैं, एक मोल में Na अणु होते हैं, और इसे mw ग्राम भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3/2 nak t। r अपॉन Na क्या होता है हमारा, k, r अपॉन Na जिसे हम लिखेंगे k से, तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Na इंटू k, तो 3/2 rt, इसे लिख दिया हमने 3/2 rt। ये 3/2 rt क्या है, एक मोल या Na अणुओं या mw ग्राम की गतिज ऊर्जा। अब देखिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो देखिए एक मोल Na अणुओं या mw ग्राम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, 3/2 rt। माध्य आणविक गतिज ऊर्जा कितनी है, या एक अणु की गतिज ऊर्जा कितनी है, 3/2 kt। मीन्स आर कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो आर रिडबर्ग गैस कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, तो यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ई और ई बार दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी नियत ताप पर सार्वत्रिक नियतांक है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं गैस का, किसे कहेंगे, ई एंड ई बार को, जो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। नेक्स्ट है, अब हमारे पास एक mw ग्राम की गतिज ऊर्जा आ गई हमारे पास 3/2 rt। एक ग्राम की कितनी हो जाएगी, सिंपल है, एक ग्राम की हो जाएगी, जिसे हम डिनोट करेंगे em से, e अपॉन mw, दिस इज e अपॉन mw, ये हो गई हमारे पास 3/2 rt/mw। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3/2 kt/m। देखिए यहाँ पे mw क्या है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट क्या होता है, एक अणु का द्रव्यमान इंटू Na अवगाड्रो नंबर, मास ऑफ वन एटम इंटू अवगाड्रो नंबर, स्मॉल m इंटू Na, तो यहाँ पे r अपॉन Na क्या हो जाएगा, r अपॉन Na हो जाएगा k, दिस इज द 3/2 kt/m। अब नेक्स्ट है हमारा अणु की वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने देखा था, काइनेटिक गैस इक्वेशन से हमने देखा p इज इक्वल टू होता है 1/3 rho vrms² तो यहां से हम निकालेंगे अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल vrms रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वहां से √3p/rho। देखिए अब 3p/rho को हम लिख सकते हैं rt/mw, कैसे, हमारे पास इक्वेशन है pv = nrt, n को हम लिख सकते हैं अणुओं मोल्स की संख्या, मोल्स की संख्या होती है गैस का द्रव्यमान बटे अणु भार, मीन्स मास ऑफ गैस अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखिए m अपॉन v क्या हो जाएगा, v नीचे चल जाएगा, तो m अपॉन v क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम द्रव्यमान बटा आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास, घनत्व, तो इसे लिख सकते हैं p/rho, ये हो गया ना रो, यहाँ रो हो गया p/rho डेंसिटी होगी, और ये हो गया rt/mw, तो हमने लिखा p/rho को लिख दिया rt/mw, rt/mw को kt/m भी लिख सकते हैं, कैसे, pv = हमने लिखा nrt, pv = हमने लिखा m/mw rt, pv = mw, क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू Na, तो स्मॉल m इंटू Na, r/Na क्या हो गया k, तो हम लिख सकते हैं p, और m/v rho हो गया, तो p/rho इज इक्वल टू हो गया rt/m। तो हमारे पास अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल जो आई vrms वो आई √3p/rho इज इक्वल टू √3 rt/mw इज इक्वल टू √3 kt/m। अब इस पे आपके खूब सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, चलिए समझते हैं न्यूमेरिकल्स को। जब एक गैस दी गई हो, मतलब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में ऑक्सीजन दे दी या हाइड्रोजन दे दी, एक ही गैस दी हुई है, तो हमें इस फॉर्मूले में क्या कांस्टेंट हो जाएगा, अणुभार कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही गैस है, तो अणुभार कांस्टेंट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट हो गया, तो vrms हो गया, vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r तो कांस्टेंट है ही, mw कांस्टेंट हो गया, तो vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, या vrms² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और vrms और t के बीच में इस तरह का करवाया, vrms² और t के बीच में स्ट्रेट लाइन करवाया।
दो या दो से अधिक गेज दी हुई है और टेम्परेचर क्वेश्चन में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो वी आर एम एस को हम लिखेंगे वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से देखिए वी आर एम एस डायरेक्टली टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वन अपॉन अंडर रूट एम डब्ल्यू। यहाँ पे अब जिस गैस का द्रव्य अणुभार ज्यादा है, मॉलिकुलर वेट ज्यादा है, उसका वी आर एम एस क्या होगा, कम होगा। हाइड्रोजन का सबसे कम होता है तो वी आर एम एस हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादा होगा। दो या दो से अधिक गैस दी हुई है और उनका वी आर एम एस हमें क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ऐसा होने पर हम क्या करेंगे, वी आर एम एस कॉन्स्टेंट है तो यहाँ देखिए वी आर एम एस कॉन्स्टेंट हो गया तो एम डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। यहाँ से देखिए ये कॉन्स्टेंट हो गया तो एम डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो गया। अब जिस गैस का अणुभार ज्यादा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और जिस गैस का अणुभार कम है उसका टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का टेम्परेचर सबसे कम होगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपके 200 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजन गैस का वी आर एम एस है 200 मीटर पर सेकेंड वी आर एम एस है। इसी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन का क्या होगा, वी आर एम एस कितना होगा, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे वी आर एम एस किसका लेना है, वी आर एम एस 200 किसका लिया, हाइड्रोजन का अपॉन वी आर एम एस, मोलिकुलर वेट किसका लेना है यहाँ पे, हाइड्रोजन का। यहाँ वी आर एम एस निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट O2 16 × 2 = 32 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद है टेम्परेचर है -68 डिग्री सेंटीग्रेड में क्वेश्चन आपका डिग्री सेंटीग्रेड में स्केल में दिया हुआ है टेम्परेचर, तो आप क्या करोगे इसे केल्विन में कन्वर्ट करोगे, 273 ऐड कर दोगे, सिंपल है। तो हमारे पास आ गया वी आर एम एस दुगना कर दिया जाए, इस गैस का वी आर एम एस दुगना कर दिया जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, इस गैस का वी आर एम एस दुगना करने पर टेम्परेचर क्या होगा। तो यहां पे देखिए ये वी आर एम एस है, एक पहले एक गुना था, अब क्या कर दिया, दुगना, तो यहाँ पे दो गुना मतलब चार हो गया, 1/4। टेम्परेचर कितना था पहले, 205, अब कितना हो जाएगा, तो टेम्परेचर इससे निकाल लेंगे। नेक्स्ट है वी आर एम एस आपका 200 मीटर पर सेकेंड है, वी आर एम एस कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर है इस वी आर एम एस पर 200 केल्विन, तो हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर क्या होगा। दो अलग अलग गैस हैं, यहाँ पे वी आर एम एस कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो एम डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप टी आपका 200 है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, मोलिकुलर वेट कितना है ऑक्सीजन का 32, यहाँ पे हाइड्रोजन का टी निकालना, मोलिकुलर वेट हाइड्रोजन का Ha2, हाइड्रोजन गैस का हो गया 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंडीशन है पी व टी दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पी और टी दोनों टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तो हमें किस तरह सोल्व करना है, तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर को ही चेंज लेना है। क्वेश्चन है प्रेशर टेम्परेचर एंड वी आर एम एस, प्रेशर जब 1 एटीएम है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या करना पड़ेगा, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, वी आर एम एस 10 है, तो अब प्रेशर इतना हो जाए टेम्परेचर इतना हो जाए तो वी आर एम एस कितना, टेम्परेचर चेंज लेना है, तो हम क्या करेंगे वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। तो यहाँ पे वी आर एम एस क्या हो गया 110 का 100 अपॉन एक्स स्क्वायर 300, दैट इज द 300 273 ऐड किया, 300 अपॉन 400, यहाँ पे 273 ऐड किया और यहाँ पे 273 ऐड किया तो हो गया हमारे पास 400 केल्विन। और नेक्स्ट है आपका गैस के अणुओं की पलायन की शर्त, मतलब वी आर पलायन की शर्त मतलब एस्केप वेलोसिटी, मतलब कितना उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है किसी भी अणु की, हमारे पास होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब इतना वेलोसिटी से कोई गैस पृथ्वी की सतह से जाए तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स को एस्केप करके वो बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे वी आर एम एस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किसके, एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग के, तो यहाँ पे वी आर एम एस कितना हमारा अंडर रूट 3 RT अपॉन एम डब्ल्यू, तो इसे स्क्वायर कर दिया तो 3 RT अपॉन एम डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एस्केप स्क्वायर। तो यहाँ पे टेम्परेचर आया, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, वी, इसे सोल्व करेंगे तो वी एस्केप स्क्वायर एम डब्ल्यू अपॉन 3R आ जाएगा, और मिनिमम टेम्परेचर कितना आ जाएगा, वह मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा वी एस्केप स्क्वायर एम डब्ल्यू अपॉन 3R। नेक्स्ट है, नेक्स्ट केस है, अगर मान लीजिए आपको गैस को इतना गर्म करें कि वो आणविक अवस्था से प्रमाणिक अवस्था में चेंज हो जाए, मोलिकुलर फॉर्म से एटोमिक फॉर्म में चेंज हो जाए, मीन्स H2O2 से O में चेंज हो जाए, H में चेंज हो जाए,
तो यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ, उसका टेम्परेचर दुगना करने पर वह अणुओं में अपने एटॉमिक फॉर्म में चेंज हो जाती है, मोलिकुलर फॉर्म से आणविक अवस्था से प्रमाणिक अवस्था में चेंज हो जाती है। जब एटॉमिक अवस्था में थी तब इसका वेग था वीआरएमएस, अब वीआरएमएस कितना होगा, अब वीआरएमएस होगा 3RT, आर कितना हो गया 2T अपॉन MW, MW बाई 2, अणुभार आधा हो गया, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट आधा हो गया, तो यहाँ दो पर चला जाएगा 4, तो 3RT अपॉन MW, 4 बाहर आएगा तो 2 हो गया ना, 3RT अपॉन MW क्या है, वीआरएमएस, तो कितना हो गया हमारे पास 2 वीआरएमएस।